नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिखा पटेल और आज गृहलक्ष्मी पूजा पाठ में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। हम सभी पूजा पाठ करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूजा करके मन में शांति नहीं मिलती है या फिर हम पूजा पूरी विधिवत तो करते हैं लेकिन कभी कभी हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है? घर घर मंदिर का वास्तु कैसा होना चाहिए, मंदिर में रखी हुई चीजें कैसी हो, इन सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी। नमस्कार, मैं हूँ पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी। लेकिन कई बार लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि पूजा में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूजा में कोई ऐसी वस्तुएं पड़ी है जिस कारण से आपकी पूजा निष्फल हो रही है, पूजा का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है? तो निश्चित रूप से देखिए, प्राय ये होता है कि जब हम देवी देवता का अर्चन करते हैं, उनको पुष्प माला चढ़ाते हैं, उनको हार चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पूजा के उपरांत वो पुष्प वहीं पड़े रह जाते हैं, पुष्प थोड़े समय बाद कुमलित हो जाते हैं और कुमलित पुष्प पूजा में किसी प्रकार से ग्राह्य नहीं है, वर्जित है। तो अगर पूजा में आपके सूखे हुए पुष्प पड़े हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दें, वो आपकी पूजा के फल को निष्फल कर दे। साथ ही लोगों के मन में ये भी बड़ी धारणा रहती है कि साहब कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां होनी चाहिए, किस किस प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो अगर आपके पूजा स्थान में उग्र देवी देवताओं की मूर्तियां है, काली की मूर्ति है या भगवान रुद्र उग्र स्वरूप में विद्यमान है, गणपति उग्र स्वरूप में विद्यमान है, तो उग्र पूजा जो है वो गृहस्थ के लिए वर्जित कही गई है, इसलिए आप उसको भी तत्काल प्रभाव से हटा दें। और साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति भी पूजा में वर्जित है, फाइबर की मूर्ति पूजा में वर्जित है, एल्यूमिनियम जो मलेच्छ धातु के रूप में प्रसिद्ध है उसकी मूर्ति भी पूजा में वर्जित है। अगर आपकी पूजा में ये वस्तुएं भी है तो इन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दें, इन्हें जलाशय में विसर्जित कर दें या किसी भी पीपल के वृक्ष में इन मूर्तियों को आप विसर्जित कर दें। साथ ही खंडित दीपक या खंडित देवी देवता की मूर्ति पड़ी है तो वो भी कहीं न कहीं दरिद्रता को निमंत्रित करती है। वेद कहता है अलक्ष्मी नाश्याम्यम, जो अलक्ष्मी है उसका नाश करने के लिए खंडित देवी देवता की मूर्ति, खंडित दीपक भी आपको पूजा के स्थान से तुरंत हटा देना चाहिए। साथ ही गृहस्थ के लिए जो सात्विक पूजा है वो सही कही गई है, शालिग्राम जी की मूर्ति पूजा में स्थापित करें, शालिग्राम जी की शिला पूजा में स्थापित करें, तो उससे भी जो लक्ष्मी है वो प्रसन्न होगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो शालिग्राम जी की पत्नी है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो आपके घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होगी। आई होप दोस्तों आपको पंडित जी द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे गृह लक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।